नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग पर। मित्रों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान की मृदाओं के संबंध में विशेष चर्चा करने वाले हैं और इसके साथ ही मृदा निर्माण और मृदा अपरदन क्या होता है इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मित्रों, मृदा यानी मिट्टी, मिट्टी को, मृदा को समस्त सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। समस्त सभ्यताओं की जननी, समस्त सभ्यताओं की जननी। समस्त सभ्यताओं की जननी। मित्रों, राजस्थान में मृदा के प्रकारों को समझने से पहले हम मृदा निर्माण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, मृदा का जो निर्माण होता है वह चार स्तर में होता है। पहले स्तर में आधार सेल मलबे में परिवर्तित होती है। मलबे में, यह होता है मृदा निर्माण का पहला स्तर, मृदा निर्माण। मित्रों, आधार सेल से हमारा तात्पर्य बड़ी बड़ी चट्टानों से है। जब ऋतु परिवर्तन होता है तो गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद बारिश, बारिश के बाद फिर गर्मी, इस तरह चट्टानों में दरारें पड़ने लगती हैं। पानी का समावेश होता है तो चट्टानें भंगुर होने लगती हैं और चटकने लगती हैं, और चटकने के साथ ही कई वर्षों के बाद यह मलबे में परिवर्तित हो जाती हैं। दूसरे स्तर में मित्रों, यह मलबा खनिज तत्वों को विकसित करता है, खनिज तत्व सेकेंड स्टेज में। और जब इन खनिज तत्वों के साथ जीवाश्म जुड़ता है, यानी वनस्पति, कवक इत्यादि जुड़ता है जीवाश्म, तो खनिज तत्वों के साथ जीवाश्म जुड़ने से इसका तीसरा स्तर प्रारंभ होता है, जिसे हम खनिज स्तर के नाम से जानते हैं, खनिज स्तर। और मृदा निर्माण का अंतिम स्तर होता है जैविक स्तर, जैविक स्तर। और इसी फोर्थ स्टेज में जैविक स्तर वाले भाग में किण्वन क्रिया होती है। किण्वन से यहां हमारा तात्पर्य होगा सड़ना। और इस सड़ने की क्रिया के कारण मृदा का निर्माण होता है। बात करते हैं मित्रों राजस्थान में मृदा। एक बार फिर से इसको समझते हैं। आधार सेल मलबे में परिवर्तित होती हैं, मलबे से तीसरा स्तर खनिज स्तर होता है, और खनिज स्तर से चौथा स्तर जैविक स्तर होता है, और जैविक स्तर की क्रिया के अंतर्गत किण्वन की क्रिया होती है, यानी सड़ने की क्रिया होती है, और परिणाम स्वरूप मृदा का निर्माण होता है। बात करते हैं मित्रों राजस्थान में मुख्य रूप से मित्रों 8 प्रकार की मृदाएं देखने को मिलती हैं, या यूं कह सकते हैं कि 8 प्रकार की मिट्टियां राजस्थान में देखने को मिलती हैं। यह अपना है राजस्थान का शुष्कतम मरुस्थल। और मित्रों, यहाँ पर बालू मिट्टी मिलती हैं, बालू कह सकते हैं इसको, बलुई मिट्टी भी कह सकते हैं, बलुई। और राजस्थान के शुष्कतम मरुस्थल हो गया, यह है राजस्थान का
अर्धशुष्कतम मरुस्थल। और इस अर्धशुष्कतम मरुस्थल में मित्रों तीन प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं, जिप्सीफेरस, दूसरी मिट्टी हो जाएगी सारीय या लवणीय। सारीय या इसको कह सकते हैं लवणीय। और तीसरी और अंतिम मिट्टी यहाँ पर होगी रेतीली भूरी मिट्टी, रेतीली भूरी मृदा। बात करते हैं राजस्थान के अगले भाग की। अगला भाग है मित्रों अरावली पर्वतीय प्रदेश। और अरावली पर्वतीय प्रदेश में दो प्रकार की मिट्टियां मिलती हैं मुख्य रूप से, एक तो लाल पीली और एक लाल लोमट, लाल लोमट। और आगे बात करते हैं तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में मिट्टी मिलती हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और अंतिम भाग दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश वाले भाग में मिट्टी मिलती हैं काली मिट्टी, काली मिट्टी। इस प्रकार मित्रों राजस्थान के शुष्कतम मरुस्थल में बालू या बलुई मिट्टी, राजस्थान के अर्धशुष्कतम मरुस्थल में तीन प्रकार की मिट्टियां मिलती हैं रेतीली भूरी, जिप्सीफेरस, सारीय या लवणीय। और राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में, अरावली वाले भाग में दो प्रकार की मिट्टियां मिलती हैं, एक तो लाल लोमट और एक लाल पीली। और राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में मिट्टी मिलती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और अंतिम राजस्थान के दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसको हम लावा का पठार, मालवा का पठार और हाड़ोती का पठार भी कहते हैं। और यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है वो है मित्रों काली मिट्टी। ठीक है, अब बात करते हैं हम तो राजस्थान में मुख्य रूप से मिट्टियाँ मिलती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी राजस्थान में मुख्य रूप से 8 मिट्टियाँ मिलती हैं। बात करते हैं मित्रों इन मिट्टियों के बारे में अलग अलग विशेष प्रकार से। तो सबसे पहले हम मिट्टी पढ़ते हैं बालू मिट्टी, बालू या बलुई मिट्टी, बालू मिट्टी। मित्रों जाहिर सी बात है कि यह मिट्टी शुष्कतम मरुस्थल में मिलती है, तो शुष्कतम मरुस्थल की जलवायु भी शुष्कतम होती है। जलवायु कैसी होती है? शुष्कतम, जलवायु शुष्कतम। और मित्रों शुष्कतम जलवायु के कारण इस मिट्टी में जैविक तत्वों का अभाव होता है, जैविक तत्वों का अभाव होता है, जैविक तत्व कम होते हैं। और जैविक तत्वों के कम होने के परिणाम स्वरूप यह मिट्टी बंजर या व्यर्थ भूमि का निर्माण करती है, बंजर या व्यर्थ भूमि का निर्माण करती हैं। और क्वेश्चन अगर यह पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि किस जिले में उपस्थित है, तो बालू मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर जिले में है, जैसलमेर जिले में। ठीक है, बात करते हैं दूसरी मिट्टी की। दूसरी मिट्टी है हमारी जिप्सी फेरस, जिप्सी फेरस।
जब हमने मित्रों राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप को पढ़ा था तो हमने बात की थी कि राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जहां पर भूमिगत जिप्सम का जमाव देखने को मिलता है, और वो दो जिले हैं मित्रों बीकानेर और नागौर। बीकानेर और नागौर और जिप्सी फेरस मिट्टी भी इन्हीं दो जिलों में मिलती है। बीकानेर और नागौर जिले में भूमिगत जिप्सम का जमाव अधिक होने के कारण यहाँ पर जिप्सी फेरस मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी दलहन और मूंगफली उत्पादन के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट बात करते हैं सारीय या लवणीय मिट्टी। सारीय मिट्टी, मित्रों जब हमने राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप पढ़ा था तो हमने बात की थी कि जो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर वाला क्षेत्र है यहाँ पर सेम समस्या देखने को मिलती है। और इस मिट्टी का निर्माण सेम समस्या के परिणाम स्वरूप होता है। अब सेम समस्या क्या होती है तो मित्रों इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र में अत्यधिक भूमिगत जल रिसाव के कारण यानी पानी की मात्रा भूमि में बहुत अधिक हो जाती है और वहाँ पर दलदली भूमि का निर्माण होता है, और इस प्रकार निर्मित दलदली भूमि में एक क्रिया होती है केशिका कृष्ण क्रिया, और केशिका कृष्ण क्रिया होने के परिणाम स्वरूप भूमि के ऊपरी स्तर पर लवण की परत जम जाती है, और इस प्रकार मिट्टी के अपरदन को सेम समस्या कहा जाता है। सेम समस्या का उपचार है मित्रों जिप्सम का प्रयोग। तो सारीय या लवणीय मिट्टी सेम समस्या के कारण निर्मित होती है। यहां से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मित्रों। एक क्वेश्चन बनता है किस जिले में, श्री गंगानगर जिले में और हनुमानगढ़ जिले में सारी मिट्टी पाई जाती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वाधिक सार्यता से युक्त मिट्टी किस जिले में पाई जाती है। सर्वाधिक सार्यता से युक्त मिट्टी। तो मित्रों आंसर क्या होगा, हनुमानगढ़ जिले में। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि राज्य में सर्वाधिक सारी मिट्टी का विस्तार किस जिले में देखने को मिलता है। क्वेश्चन अलग अलग है, सर्वाधिक सार्यता से युक्त और सर्वाधिक सारी मिट्टी का विस्तार। तो मित्रों सर्वाधिक सारी मिट्टी का विस्तार राजस्थान के जैसलमेर जिले में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों रेतीली भूरी मिट्टी। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहां पर यह है बालू मिट्टी जिसमें जैविक तत्वों की कमी है, लेकिन जब लूणी बेसिन और शेखावटी बेसिन की नदियां बालू मिट्टी में जैविक तत्वों को जोड़ने का काम करती हैं। जोड़ दिया। अब जैविक तत्वों के जुड़ने के पश्चात
इस बालू मिट्टी का रंग भूरा हो जाता है और इसी कारण इस मिट्टी को राजस्थान के इस अर्धशुष्कतम भाग में रेतीली भूरी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और, रेतीली भूरी मिट्टी बाजरा उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है, बाजरा उत्पादन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों, तो लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली। ध्यान दें मित्रों, ये हमारा है राजस्थान का पूर्वी भाग और यहाँ पर जो अरावली उपस्थित है हम उसको पूर्वी ढालों की अरावली के नाम से जानेंगे और पूर्वी ढालों, अरावली के पूर्वी ढालों वाले भाग में फेरस ऑक्साइड, अरावली के पूर्वी ढालों में फेरस ऑक्साइड, Fe+H2O और यहां पर होती है ऑक्सीकरण की क्रिया। फेरस ऑक्साइड की मात्रा के कारण लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है और यह मिट्टी दलहन तथा मक्का उत्पादन के लिए उपयुक्त है, दलहन तथा मक्का उत्पादन के लिए उपयुक्त है। मित्रों ध्यान दें, जो रेतीली भूरी मिट्टी है इसको हम सिरोज्म के नाम से भी जानते हैं, सिरोज्म, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में आता है लाल लोमट मिट्टी, लाल लोमट, अरावली के राजस्थान का यह दक्षिणी भाग है तो इसको हम दक्षिणी अरावली के नाम से जानेंगे और दक्षिणी भाग में, अरावली के दक्षिणी भाग में सीट या परतदार अपरदन के कारण, सीट या परतदार अपरदन के कारण लाल लोमट मिट्टी का निर्माण होता है, सीट या परतदार अपरदन के कारण। और यह अपरदन होता है मित्रों वर्षा के कारण, वर्षा जल के कारण सीट या परतदार अपरदन होता है और इस कारण यहां पर मिट्टी का निर्माण होता है लाल लोमट मिट्टी का। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, राजस्थान में सर्वाधिक अम्लीयता से ग्रस्त मिट्टी कौन सी है, तो आंसर होगा लाल लोमट मिट्टी, सर्वाधिक अम्लीय, सर्वाधिक अम्लीय, सर्वाधिक अम्लीय। ध्यान दीजिए मित्रों, लाल लोमट मिट्टी को छोड़कर बाकी सारी मिट्टियां राजस्थान में सारी हैं, एकमात्र मिट्टी लाल लोमट मिट्टी जो कि अम्लीयता से ग्रसित है। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। मित्रों पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के माध्यम से होता है, यानी इस मिट्टी का जमाव नदियों के द्वारा किया जाता है, नदियों के द्वारा किया जाता है और इस मिट्टी के लिए उपयुक्त फसल है गेहूं तथा चावल, गेहूं तथा चावल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मृदा, ठीक है। काली मृदा मित्रों राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश वाले भाग में मिलती हैं
और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश वाले भाग में बेसाल्ट लावा के कारण इसका निर्माण होता है। बेसाल्ट लावा के कारण इसका निर्माण होता है। और मित्रों, काली मृदा क्वेश्चन यहां से बनता है कि अत्यधिक नमी ग्रहण क्षमता किस मिट्टी की है? तो काली मिट्टी अत्यधिक नमी ग्रहण क्षमता। अत्यधिक नमी ग्रहण क्षमता। और मित्रों, यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि अत्यधिक नमी से युक्त मिट्टी राजस्थान की कौन सी मिट्टी है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक नमी से युक्त मिट्टी है। जबकि अत्यधिक नमी ग्रहण क्षमता किस मिट्टी की है? तो काली मृदा की अत्यधिक नमी ग्रहण क्षमता होती है। और यहाँ पर जो फसल बोई जाती है वो है सोयाबीन। सोयाबीन, ठीक है मित्रों। इस प्रकार पूरा होता है अपना चैप्टर राजस्थान की मिट्टियाँ। अब थोड़ी बात करते हैं मित्रों मिट्टी अपरदन की। मिट्टी अपरदन, अपरदन मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना अपरदन कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना अपरदन कहलाता है। अब इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, हवा हो सकती है, जल हो सकता है, पवन हो सकती है और अन्य कोई और भी कारण हो सकता है। मित्रों, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्टी अपरदन को और किस नाम से जाना जाता है, तो रेंगती हुई मृत्यु। रेंगती हुई मृत्यु, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान में मृदा अपरदन की। तो मित्रों, राजस्थान के शुष्कतम मरुस्थल में जो मृदा का अपरदन होता है वह पवनों के कारण होता है। पवनों के चलने से। और इस प्रकार के अपरदन का जो उपाय है वह है खेत के चारों ओर मेड़बंदी कर दी जाए। खेत के चारों ओर मेड़बंदी करने से इस अपरदन को रोका जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं अर्धशुष्कतम मरुस्थल की। तो यहाँ पर मिट्टी का अपरदन होता है सेम समस्या के कारण। इस सेम समस्या को हम दो तीन बार समझ चुके हैं। इस सेम समस्या का उपाय है जिप्सम का प्रयोग। जिप्सम का प्रयोग, यहाँ पर बबूल इत्यादि पेड़ों को लगाकर भी इस समस्या को रोकने का हल ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें असफलता मिली। जिप्सम का प्रयोग इस समस्या को कम करने का उपाय है। उसके बाद अरावली वाले भाग में शीत या परतदार अपरदन होता किस कारण है? वर्षा जल के कारण। और इसका उपाय है कि आप इस प्रकार की खेती करो, यानी सीढ़ी नुमा कृषि। अंतिम बात करते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी वाले भाग, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो मित्रों, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में अपरदन का कारण है
बीहड़, और बीहड़ हमने पढ़ा था अवनालिका अपरदन से रिलेटेड होता है, अवनालिका अपरदन से रिलेटेड होता है। और इसका उपाय है मित्रों नदियों पर बांधों का निर्माण, नदियों पर बांध निर्माण। इस प्रकार आज की क्लास का टॉपिक राजस्थान की मृदाएं, मृदा निर्माण और राजस्थान में मृदा अपरदन पूर्ण होता है।